अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है? तो सीन कुछ ऐसा है, आज की वीडियो 78 पे बनने वाली है, फुल 50 78। तो सीन कुछ ऐसा ही है, मेरे हाथ में हेड है और हेड में हमने दोनों पोटे जो उनसे होल है, कार्बोरेटर और सिलेंसर का, वो हम लोगों ने खुले कर दिए, फुल जितना हो सकता था हम लोगों ने उतना इसमें से खुले कर दिए लेथ मशीन वाले से। और वाल आपको दिखा सकूँ तो ये 1:4 के वाल, और अभी आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि क्या सीन है और क्या नहीं है। और अगर हम वेट और कनेक्टिंग रोड की बात करें तो वो वेट हम लोगों ने इसके लिए यूज़ किया है 4.5 का वेट, और कनेक्टिंग रोड की अगर मैं बात करूँ तो वो यूज़ किया है 0.36 का। यार अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट इसका आएगा, फुल आउट क्लास गाड़ी इसमें बनेगी। और इस सेटिंग पर यार अगर हम बात करें कार्बोरेटर की तो PZ30 का कार्बोरेटर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, PZ30 की परफॉर्मेंस इसमें बेटर आएगी, इसलिए वो PZ30 का कार्बोरेटर हम इसमें लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं मतलब दोनों पीस, इंजन के जो दोनों पीस हैं उनको भी हमने बोर किया है गिलास के हिसाब से, और ये दोनों पीस हैं, दोनों पल्ले और गिलास के हिसाब से। और अभी आपको सिलेंडर दिखाता हूँ सिलेंडर किस हिसाब से, और ये 58 का पिस्टन हम लोगों ने यूज़ किया है, इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है इसलिए हम लोगों ने ये यूज़ किया, और बड़ा भी है काफ़ी, और ग्लास काफ़ी मतलब अच्छा काम किया है लेथ मशीन वाले ने, मतलब इसका जो बफिंग वगैरह है आपको दिखा सकूं तो फुल 50 काम किया है उसने। और हम इंशाल्लाह इसे पूरा मुकम्मल फिटिंग करके फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट इसका निकल के आया।
पिस्टन की टॉप ये आ रही है, ये पिस्टन का टॉप आ रहा है और बिल्कुल लॉक के हल्का सा नीचे आ रहा है, लेकिन गैसकेट हम यूज़ करने वाले नहीं है इसलिए उसके हिसाब से सेट है। तो भाई गैसकेट में इसकेट हम लगाने वाले नहीं है, वो क्यों? वो इसलिए कि इसका परफॉर्म जो है वो बेटर आए, मतलब पिस्टन बिल्कुल टॉप पे आके पीछे के साइड में जाए, तो इस सीन के लिए मतलब इससे गाड़ी की पिकअप और भी डेंजर हो जाती है, ये सीन है। तो इसलिए हम इस पे ये आरटीबी ट्यूब लगा के इसे फिट कर देंगे। सिलेंडर से नीचे सिर्फ एक जेन्युइन पैकिंग दी है और ऊपर के साइड में कोई गैसकेट मैसकेट नहीं लगा रहे, बस ऐसी फिट कर रहे।
ये प्लंच और कार्बोरेटर जो है ना, ये आर्जी तौर पे लगाया है सिर्फ स्टार्ट में चेक करने के लिए, और बाद में बड़ा प्लंच और पिजेट 30 का कार्बोरेटर भी इसमें लगाएंगे बाद में, ये सिर्फ चेक करने के लिए लगाएंगे। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कि मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुनिया राता है राना शी दिल से समसड़े शमा, दुनिया राता है राना शी हुंदा दुनिया में ब्या है ब्या में परेशान की हूँ।